या हाय गाइस दिस इज अभी एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट से रिलेटेड uh, अकाउंट लोक uh, पासवर्ड पॉलिसी अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी ठीक है तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसमें कि कैसे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो और जो डिफ़ॉल्ट uh, सेटिंग्स रहती है वो आप कैसे चेक कर सकते हो और जो भी आपको पैरामीटर सेट करने हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल के हिसाब से जो कि आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके ये सब चीज़ें जो हैं कर सकते हो तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में ठीक है तो लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले हम जाते हैं ग्रुप पॉलिसीज के अंदर तो सर्वर मैनेजमेंट में जाके भी और यहाँ से भी एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट से भी हम ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ठीक है ओके सो अभी आप देखेंगे कि हमने ये सारी पॉलिसी लगाई ये सब तो मैं हटा देता हूँ ये मैंने अनलिंक कर चुका हूँ इसको भी और इसको भी मैं अनलिंक कर देता हूँ राइट तो अब जो हमारी जो सबसे पहले बाई डिफ़ॉल्ट हमारी पॉलिसी होती है वो होती है डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी तो हम इसी के अंदर जाके इसको एडिट करते हैं राइट right? आप इसके अंदर भी बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हैं लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस जो रहती है कि आप नई पॉलिसी अगर बनाते हो तो उस नई पॉलिसी के अंदर आप नेम डिफाइन करते हो कि आपने ये पॉलिसी इस चीज़ के लिए लगाई है और आपको थोड़ी सी हेल्प मिलती है कि आपको ग्लोबल लेवल पर आपने कौन सी लगानी है फिर उसके बाद आपने इंडिया आई मीन कंट्री लेवल पे कौन सी लगानी है फिर आपके बाद उसके बाद ओ यू लेवल पे कौन सी लगानी है तो ये सारी चीज़ें आप जो है मॉडिफिकेशन uh, कर सकते हैं तो अब इसमें थोड़ा सा हम डीपली देखते हैं और यहाँ पे हम कंप्यूटर पॉलिसी के अंदर जाएंगे और विंडोज सेटिंग एंड उसके बाद सिक्योरिटी सेटिंग्स में हम जाएंगे और सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाने के बाद हम चूज करेंगे अकाउंट पॉलिसी राइट तो अकाउंट पॉलिसी हमने जैसे ही चूज़ करी है तो हमारे पास ये ऑप्शन आता है निकल के पासवर्ड पॉलिसी अकाउंट लोकआउट पॉलिसी और कैब्रोज पॉलिसी तो अभी हम बात करेंगे पासवर्ड पॉलिसी और अकाउंट लोकआउट पॉलिसी के बारे में तो सबसे पहले हम एडिट करते हैं पासवर्ड पॉलिसी को हम देखते हैं डबल क्लिक करते हैं इस पर तो यहाँ पे आप देखिए इनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री सिर्फ ट्वेंटी फोर पासवर्ड रिमेंड रिमेंबर मतलब अगर ट्वेंटी फोर जो पासवर्ड रहेंगे किसी भी यूज़र के वो ट्वेंटी फोर रिमैंबर रखेगा और उसको ट्वेंटी फाइव ही उसको यूज करने देगा सपोज दैट uh, किसी ने अपने पासवर्ड चेंज किए तो उसने अगर ट्वेंटी फोर पासवर्ड उसने यूज किए हैं तो उसको ट्वेंटी फाइव फिफ्थ जो है पासवर्ड वो यूज़ करने देगा उसके बाद वो फर्स्ट पासवर्ड यूज कर सकता है फिर उसके बाद आता है मिनिमम पासवर्ड एज तो मिनिमम पासवर्ड इज़ बाई डिफॉल्ट जो है फोर्टी टू डेज़ रहता है और अगर आपसे कोई भी ये चीज़ें पूछता है तो आप जो है उसको बता सकते हो कि डिफ़ॉल्ट uh, क्या सेटिंग्स रहती है तो ये भी आप इंटरव्यू uh, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं तो आप ये सब चीज़ें जो हैं बता सकते हो फिर उसके बाद रहता है मिनिमम पासवर्ड एज वन डेज मतलब अगर आपने कोई भी पासवर्ड सेट किया है तो उसकी मिनिमम एज ट्वेंटी आवर्स रहेगी वो उसके बाद ही उसको चेंज कर पाएगा फिर यहाँ पे आता है मिनिमम पासवर्ड लेंथ जो कि सेवन है इसको आप मॉडिफाई करके जो मर्जी चाहो आप कर सकते हो इट्स डिपेंड ऑन यू फिर उसके बाद आता है पासवर्ड मस्ट कंप्लीट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट है इसमें क्या होता है कि जब आप ये आप इनेबल करते हो तो यहाँ पे जो मतलब क्वालिटी जो रहती है इसकी कि आपको सारे पासवर्ड के जो स्पेशल कलेक्ट करैक्टर और कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नम न्यूमेरिक ये सब चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ती है फिर उसके बाद आता है स्टोर पासवर्ड यूजिंग रिसेबल एनगर्थम ये थोड़ा सा अलग हो जाता है तो इसकी आपको नीड भी नहीं है तो नोट ए प्रॉब्लम तो ये सब चीज़ें आप जो है सेट कर सकते हैं यहाँ पे ट्वेंटी फोर को भी आप सेट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो आप इसको हर चीज़ आप इसको सेट कर सकते हो फिर आती है अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी तो अकाउंट लुकआउट पॉलिसी देखिए यहाँ पे अकाउंट लोकआउट लो डोरेसन जो है नॉट डिफाइन है और अकाउंट लॉकआउट थ्रेश जो है जीरो लॉगिन अटैम्प्ट है और रिसेंट अकाउंट लॉकआउट आफ्टर अकाउंट अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ सबसे पहले हमें क्या करना होगा अकाउंट लोकआउट थ्रेश हमें एक एक से लगाना होगा कि कितने अटैम्प हम करें इनवैलिड लॉग इन अटैम्प कि कितने अटैम्प के बाद अकाउंट लॉक होना चाहिए तो भाई थ्री के बाद अकाउंट लॉकडाउन होना चाहिए देखिए जैसे मैंने इसको अप्लाई किया तो देखिए अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन 30 मिनट रीसेट अकाउंट लॉकआउट काउंट आउटर 30 मिनट्स मतलब कि जैसे ही आपने अगर लॉकआउट हो गया तो क्या होगा कि उसको यूज़र को यूज़र लेवल पे 30 मिनट्स मिलेगी कि वो 30 मिनट्स के बाद वो है अपना पासवर्ड जो है ट्राई कर सकता है और इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो कोई सी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसको आप मॉडिफ़ाई कर सकते हो और उसके हिसाब से आप रख सकते हो ठीक है तो अब मैं इसको पासवर्ड जो है हम अब... ट्राई करते हैं रोंग और देखते हैं क्या होता है तो ये हमने सेव कर दिया इसको अभी मिनिमाइज करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना है ठीक है तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ मशीन के ऊपर और ये मैं अब मशीन पे आ गया हूँ और यहाँ पे क्या हो गया भाई ओके ये देखिए लग गई है हमारी फ़ोटो भी आपने लास्ट वीडियो में जो मैं आपको बता रहा था वन टू थ्री ये दिखाई नहीं दे रही यार चलो कोई बात नहीं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ रीजन क्या था नॉट ए बिग प्रॉब्लम सो अभी आ, मैं पासवर्ड ट्राई करता हूँ देखो पुलसी से हम अपडेट नहीं करते सिंपल ट्राई मारते हैं फिर उसके बाद देखते हैं क्या रहता है ठीक है तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ साइन आउट और लेट्स ट्राई ये यहाँ पे मैंने लगा दिया कोई नहीं लॉक स्क्रीन पे मैंने लगाया था तो अब मैं यहाँ पे थ्री अटैम्प रॉन्ग पासवर्ड वन टू और ये थर्ड है देखते हैं ठीक है हो गया अब इसके बाद हम ट्राई करते हैं कोई भी पासवर्ड ये देखते हैं क्या दिखाता है अब ये पॉलिसी नहीं लगी है ठीक है अब मैं क्या करता हूँ पासवर्ड लॉग करते हैं और आ, जो है पॉलिसी अपडेट करते हैं ठीक है टेस्टिंग हो गई हमारी तो जब तक हम पॉलिसी अपडेट नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा ठीक है तो लेट्स गेट इट अब मैं यहाँ पे इसमें पॉलिसीज अपडेट करता हूँ सी और जी पी अपडेट स्लैश एफ ओ आर सी अरे यार और सर्वर पे भी मैं कर देता हूँ जी पी अपडेट स्लैश एफ ओ आर सी ठीक है पॉलिसी अपडेट हो गई है परफेक्ट एक्चिट और इसको कर देते हैं साइन आउट अब यहां पे देखते हैं ट्राई करके वन टू थ्री यस इट्स वर्किंग द रेफरेंस अकाउंट इज करंटली लॉकडाउन एंड मे नॉट बी लॉकडाउन ठीक है तो अब इसको ओके करते हैं अब देखिए अब अब यूज़र लेवल पे इसमें क्या होगा कि ये थर्टी मिनट्स तक इसको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये लोगों ने कर पाएगा जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है अब अगर आपके पास रिक्वेस्ट आती है तो आप जो है इसको एक्टिव डायरेक्टरी में जाके उसको अनलॉक कर सकते हो ठीक है तो एक्टिव डायरेक्टरी में जाते हैं और यूज़र जो था हमारा एजी उसको हम अनलॉक कर देते हैं दिस दिस वन अब देखिए यहाँ पे एक अनलॉक का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा ये देखिए अनलॉक अकाउंट दिस अकाउंट इज करंटली लॉकडाउन ऑन दिस सेक्टर डायरेक्टेड डोमेन कंट्रोल तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसको अप्लाई करना है और ये ओके okay करना है ठीक है अब आप यहाँ से भी इसको अनलॉक कर सकते हो अगर ये लॉक रहता है तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है अनलॉक करने का और अगर आप प्रॉपर्टीज में जा के अभी आप देखोगे तो ये देखिए अब वो हो गया अनलॉक तो अब जो है ये वापस से कैपेबल है लॉग इन करने के लिए तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अकाउंट देख लेते हैं कौन सा है तो इट्स एचीएम अब हम ट्राई करेंगे तो ये लॉग इन कर जाएगा ठीक है तो एच गो आर डी वन टू थ्री ठीक है ये देखिए तो इसका बस यही बेनिफिट है कि आपका अकाउंट लॉकआउट हो जाएगा और डोरेशन आप दे सकते हो अगर कोई मतलब अगर आउटसाइडर भी कोई कर ट्राई करता है तो रॉन्ग पासवर्ड यूज करने के लिए तो आप ये चीज़ें आप सिक्योरिटी मेजर्स आप यूज़ कर सकते हो अपने नेटवर्क में ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी तो कृपया लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं और आप जो है ये रिक्वेस्ट है कि आप ये मेरी वीडियोज़ जो हैं प्लीज़ शेयर कीजिए अपने नेटवर्क में ताकि और लोग जो हैं उनसे जुड़ सकें तो तब तक के लिए बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत